अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफियत होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं लोगों को बताऊं कि वीडियोस कैसे अच्छी बनाई जा सकती हैं और उनकी SEO कैसे 100% की जा सकती है, सो दैट कि उनके व्यूज़ अच्छे मिलें और उनको वॉच टाइम भी मिले। तो मैंने सोचा कि इस सिलसिले में मैं आपकी आज हेल्प कर दूँ और इस टॉपिक को मैंने कोशिश की है कि ब्रीफली डिस्कस करूं और इंशाल्लाह वेरी ब्रीफली मैं कवर करूंगा डिफरेंट इम्पोर्टेंट एरियाज ताकि एक वीडियो अच्छे तरीके से बना के अपलोड की जा सके और उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी हो और लोग उसको देखना भी पसंद करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एंड तक रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने YouTube का होम पेज खुला हुआ है, इसमें आपको पता है डिफरेंट वीडियोस आपके सामने आ रही होती हैं। अब यही सी पेज को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कुछ वीडियोस जो हैं उनको देखते ही समझ आ जाती है कि वीडियो किस हवाले से है। मसलन ये पहली वीडियो जो है टॉप पे, ये तहरीक लबैक के लीडर्स की गिरफ्तारी के हवाले से है। दूसरी वीडियो जो है वो कुकिंग के हवाले से है। तीसरी वीडियो की समझ नहीं आ रही किस हवाले से है, क्योंकि उसके ऊपर ना तो डिस्क्रिप्शन अच्छी है और ना उसके ऊपर कोई इमेजेस आ रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और इस तरह यानी कि आप जिन वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं या तो उनका विजुअल इफेक्ट अच्छा होता है या उनकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी होती है, इमेज उनका बहुत अच्छा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले जब आपने कोई वीडियो बनानी है तो टॉपिक को सिलेक्ट करना है और उस टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले आपने देखना है कि वो टॉपिक आपको कितने अच्छे तरीके से उस पर आपकी ग्रिप है और क्या वो टॉपिक ट्रेंडिंग है, लोग आजकल उस टॉपिक पे वीडियो देख रहे हैं, क्या वो इन्फॉर्मेटिव है या इंटरेस्टिंग है, और अगर ऑलरेडी इस पर कोई वीडियोज़ हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, और जो उन पर जो टॉप व्यूज़ वाली वीडियोज़ हैं उनको देखें कि उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आप भी कवर करें। उसके बाद सेकंड चीज़ है जी, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो दो तरीके से रिकॉर्ड होती है, या तो सेल्फ व्यू होता है जैसे आप अपने आप को दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं, और दूसरी होती है कि आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं और आप उसके ऊपर खुद बात कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई साउंड प्ले कर रहे हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी वीडियो किस तरह की है, ठीक है। तो अब उस वीडियो को रिकॉर्ड करना और उसके ऊपर या तो साउंड आप अपनी लगाएंगे या वीडियो की साउंड ही आप यूज़ करेंगे। तो जो आप अपनी साउंड लगाते हैं उसको वॉइस ओवर कहते हैं। तो वॉइस ओवर जब आप करेंगे तो उसके लिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का माइक होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोया का M3 माइक यूज़ करता हूँ। आप कोई अच्छा बोया का माइक ही यूज़ करें या किसी अच्छी कंपनी का माइक यूज़ करें तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद यह है कि साउंड क्वालिटी आप बाद में दोबारा देखें कि इसकी कैसी है, और जब आप वीडियो एडिटर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप उसको प्ले करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि साउंड कितनी आ रही है। तो अक्सर जो वीडियो एडिटर्स हैं जैसे मैं वीलॉग यू यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप 100% से 200% तक अपनी साउंड या वॉइस ओवर को जो पिच है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप उसको 200 पे कर दें ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस लोगों को मिल सके। तो वीडियो की इन्हेंसमेंट और वॉइस ओवर की इन्हेंसमेंट, ये दोनों आपने करनी है। अब क्योंकि मेरा टॉपिक ब्रीफ है तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामने आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड थंबनेल। तो थंबनेल आपका इम्प्रेसिव और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। थंबनेल का जो साइज़ है, जो उसका एस्पेक्ट रेशियो है, 16:9 होता है, और आप कोशिश करें कि अपनी वीडियो को 2000x1125 या 1280x720 के साइज़ में आप उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो थंबनेल के बारे में अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, कि दो वीडियोज़ हैं बल्कि उसमें एक तो शॉर्ट है कि आप 2 मिनट में अपना थंबनेल कैसे बना सकते हैं और एक डिटेल में है कि अपना थंबनेल आप कैसे बनाएं।
तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, वॉइस ओवर की इससे पहले बात करता था। तो उसमें एक और भी है कि वॉल्यूम बूस्टर एप्स भी कुछ अवेलेबल है कि आपने वीडियो रिकॉर्ड की बाद में आपने देखा कि 200% करने के बावजूद उसकी वॉइस अगर लो है तो वॉल्यूम बूस्टर एप्स में उसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक यूज़ किया था जिसको वीडियो मास्टर्स का नाम दिया गया था। तो इस तरह की आप कोई भी वॉल्यूम बूस्टर ऐप आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो के लिए, ठीक है। इसी तरह आपका साउंड अगर आप अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साउंड बूस्टर्स भी आपको मिलते हैं जो आपके साउंड्स को बढ़ा देते हैं। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि टॉपिक क्या है, वीडियो रिकॉर्ड की, वॉइस ओवर किया, एक अच्छी क्वालिटी का थंबनेल लगाया, और जब आपकी ये चीज़ें तैयार हो गई तो अब आपने सोचना है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल मैक्सिमम 100 वर्ड्स का होता है, तो 100 डिजिट उसमें आप जो है ना 100 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो कोशिश करें कि 80 to 100 कैरेक्टर्स आप भी लिखें। अगर आप समझते हैं कि आपकी वीडियो के टाइटल में 2 से 3 चीज़ें आ रही हैं और वो एक जो सेंटेंस है वो उसको कवर नहीं कर रहा, तो आप एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को भी कवर कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये मेरे सामने मेरा YouTube स्टूडियो है, उसमें मैंने कंटेंट खोला हुआ है और कंटेंट्स के अंदर मैं फॉर एग्जांपल अपनी पहली ही वीडियो खोल लेता हूँ। तो इसकी डिटेल्स में मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइटल है उसमें लिखा हुआ वाई डायबिटीज स्प्रेड्स। अब ये पहला मेरा टाइटल था। अब उसके बाद मैंने इसको वर्टिकल बार एक लगा दिया क्योंकि मेरा यहाँ पे पहला सेंटेंस क्लोज हो गया। उसके बाद मैंने लिखा हाउ टू ट्रीट शुगर विदाउट मेडिसिन, ये मेरा सेकंड सेंटेंस है। तो उसके बाद मैंने फिर वर्टिकल बार लगा के व्हाट इज प्री डायबिटिस, ये मेरी तीसरी चीज़ है जो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, और चौथी चीज़ मैं आगे डॉक्टर शोकत बुखारी दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ें मेरी थी, आपकी एक हो सकती है, 2 हो सकती है या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो आपने उनको वर्टिकल बार से सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो आपकी आती है वो डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास 5000, यहाँ देख सकते हैं 5000 कैरेक्टर्स की आपके पास गुंजाइश मौजूद है। तो आप कोशिश करें कि मोर देन 800 या 900 वर्ड्स या 1000 के आसपास आप एटलीस्ट कैरेक्टर्स की आप डिस्क्रिप्शन लिखें। उस डिस्क्रिप्शन में आपने जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक पे क्या डिस्कशन हुई है उसके बारे में डिटेल लिखें, या आप इवन वेब से भी आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो आपने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं टाइटल में वो नीचे रिपीट हों किसी न किसी तरीके से, मतलब वाइड डायबिटीज स्प्रेड्स, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है कि इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड द रीजंस वाइड डायबिटीज स्प्रेड्स एंड व्हाट आर द कॉमन रीजंस। तो ये देखें एग्जैक्टली वाई डायबिटीज स्प्रेड्स, ये मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। तो इसी तरह आपने वन बाय वन किसी न किसी सेंटेंस में एग्जैक्टली ऊपर वाले सेंटेंसेस को कॉपी करना है, और नीचे किसी न किसी जगह पे आपने अपने चैनल का भी डिस्क्रिप्शन लिखना। जैसे मैंने लिखा अपडेट बाय काजी इज प्लीज टू शेयर दिस वीडियो फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। तो आप ये करें और इसके बाद एंड पे आपने कोई सेपरेशन देनी है। जैसे मैंने यहाँ लाइंस लगाई हैं एक डॉट्स लगा के, नीचे मैंने अपने 3 जो कीवर्ड्स हैं या टैग्स हैं वो मैंने 3 टैग्स नीचे दिए हैं, तब और ये 3 टैग्स जो हैं वो आपको जब वीडियो में ऊपर टॉप पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन के हवाले से था। और उसके बाद आपके नीचे, अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने थंबनेल की मैंने बात की, थंबनेल आप यहाँ इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगली चीज़ वो कह रहा है कि जी ये कौन सी प्लेलिस्ट में जाएगी। तो आपने जो प्लेलिस्ट सिलेक्ट करनी है यहाँ से देखें किस से रिलेट करती है आपकी प्लेलिस्ट, अगर ज़्यादा बनी हुई है तो उस प्लेलिस्ट में इसको डाल दें। उसके बाद ऑडियंस कौन सी है, तो अगर आपने बच्चों के लिए बनाई है तो यहाँ सेलेक्ट कर लें फॉर किड्स, और अगर किड्स के लिए नहीं है तो जैसे ऑलरेडी ये है कि नॉट मेड फॉर किड्स, तो आपने इसको नॉट मेड फॉर किड्स करना है।
ठीक है, ये देखें, येस इट इज मेड फॉर किड्स, नो इट नॉट मेड फॉर किड, तो ये नॉट मेड फॉर किड्स है तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। तो एक चीज़ और नोट करने वाली ये है कि जो किड्स के लिए वीडियोज़ बनती हैं उनके ऊपर नीचे कमेंट्स नहीं होते, कमेंट्स ऑफ होते हैं। उसके बाद अगर आपकी वीडियो एज रिस्ट्रिक्शन है उस पर तो आप बताएं, अदरवाइज नो रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने चूंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैंने इस पर कहा जी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नीचे आप जाते हैं टैग्स के ऊपर, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अब टैग्स के ऊपर नीचे आप चले जाएं तो 500 कैरेक्टर्स के टैग्स आप लिख सकते हैं, और एक टैग लिखने के बाद आप कॉमा डालेंगे तो ये वो टैग कंप्लीट हो गया। डायबिटीज ट्रीटमेंट मैंने लिखा है और कॉमा डाला है तो ये एक टैग बन गया। शुगर कंट्रोल मैंने डाला है तो दूसरा टैग बन गया कॉमा डालने के बाद, ठीक है। तो इसी तरह आप ये बहुत सारे टैग्स आप लिखें, कोशिश करें कि वो टैग्स यूज़ करें जो कि ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ट्यूब बडी। अब ट्यूब बडी क्या करता है कि जब आप कोई टैग लिखते हैं तो वो सजेस्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, डायबिटीज कंट्रोल मैंने लिखना ही शुरू किया तो ये देखें नीचे आ गया डायबिटीज कंट्रोल टिप्स, डायबिटीज कंट्रोल फूड, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो टैग्स हैं जो ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, तो ये आपको ट्यूब बडी आपको हेल्प कर रहा होता है, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जी, यहाँ ऊपर आ जाए आप दोबारा, आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन का आ रहा है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड स्क्रीन के ऊपर, तो वीडियो के एंड के ऊपर फर्दर वीडियोज़ के जो या प्लेलिस्ट के जो आपके लिंक्स आ रहे होते हैं उसको ये कहता है एंड स्क्रीन। और इसी तरह कार्ड्स लगते हैं कि बिटवीन द वीडियो, आप 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 5 आप कार्ड्स यहाँ लगा सकते हैं अपनी दूसरी वीडियोस के, तो ये भी आप जरूर लगाएं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जिनका आपने ख्याल रखना है, और अगर आपने यकीनन इनका ख्याल रखा है तो ज़्यादा चांसेस है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी जो है वो वायरल होगी और ज़्यादा व्यूज़ एज कम्पेयर टू द करंट व्यूज़ जो आपको आजकल व्यूज़ मिल रहे हैं, इससे बेहतर व्यूज़ मिलेंगे। अब इसमें कुछ मैं आपसे फर्दर टिप्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने आपसे बात की थी कि जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक पे ऑलरेडी कोई वीडियोस हैं तो आप उनको देखें। आप देखते हैं कि जिस टॉपिक पे एक वीडियो है जिसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं इसी टॉपिक के ऊपर, तो आप देखें कि उसने टाइटल क्या लिया था। आप कोशिश करें कि उसके करीब करीब का टाइटल आप दें, डिस्क्रिप्शन आप देखें किस तरह की उसने दी है, और टैग्स कैसे यूज़ किए हैं। अब ये मैंने आप ट्यूब बडी आपको कहा था, तो ट्यूब बडी जो है वो कॉपी कर सकता है टैग्स को किसी भी वीडियो से, तो आप उसमें से इंटेलिजेंटली कॉपी कर सकते हैं। जाहिर है वहाँ अगर उसके अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन है या उसका टैग बना हुआ है तो आप वो कॉपी नहीं करेंगे, बाकी आप कुछ वहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर अपने टैग्स में उसको कॉपी कर लें। आई होप कि ये टिप्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी आपकी वीडियो ताकि अच्छी बने और आपकी वीडियो बेटर परफॉर्म करे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।